तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल के कार लालसड़ में एक बार फिर से। तो दोस्तों ये गाड़ी देखो कितना लाख किलोमीटर चली है, किलोमीटर काउंट करना। ये 2,03,000 चली हुई गाड़ी है। और ये देखो आपकी बात है, वो एक्सीलेटर देने पे, हाँ एक्सीलेटर देना देखा आप, और गैस और पेट्रोल दोनों पे चली हुई है। देखो धुआं दे रही है गाड़ी, देखो बस बस ये देखो भयंकर धुआं दे रही है। और ये इन भाई साहब की गाड़ी है। कितनी दूर से चल के आए हो आप? मैं 330 किलोमीटर से चल के आए, यानी 330 किलोमीटर से चल के आए हैं सर जी। और ये गाड़ी है ना ऑयल कम कर रही है, कितनी दूर में ऑयल कम कर रही है? मतलब 2000, मतलब आज चेंज करवा देंगे तो 3000 किलोमीटर के बाद में कम कर देगी, लीटर लीटर डेढ़ लीटर के आसपास, मतलब 3000 किलोमीटर चलने पर ऑयल कम कर रही है। और हल्की हल्की देख लीजिए आप, धुआं दे रही है ये गाड़ी। और 2 लाख चली हुई गाड़ी है, तो इसे खोलते हैं। अगर इसका बोर अगर ज़्यादा कट रहा होगा ना, जब तो इसमें रिंगें नहीं डलेंगी, अगर बोर नहीं कट रहा होगा तो बिल्कुल भी। तो चलो इसका देखो मैं प्रोसेस दिखाता हूँ और इसका टोटल अमाउंट भी दिखाता हूँ आपको, क्या बैठता है इस काम में। तो भाई काफ़ी दूर से चल के आए हैं तो इनका एक बेस्ट काम करके देंगे। तो चलो खोलते हैं, पहला खोल लेते हैं। दोस्तों काफ़ी लंबा टाइम है, प्रोसेस है, तो मैं आपको दिखाता रहूँगा बीवी। तो ये देखो दोस्तों, इसके चारों सिलेंडर, मतलब चारों सिलेंडरों में ऑयल है इसमें हल्का हल्का। देखो चारों तरफ, यानी चारों पिस्टन ऑयल उठा रहे हैं हल्के हल्के, ये देख रहा आप, चारों पिस्टन ले रहे हैं ऑयल। तो चलो खोलते हैं, आपको एक एक चीज दिखाते हैं फिर। तो दोस्तों ये देखो हेड निकाल दिया है, अब पिस्टन की हालत देखो आप। ये देखो ये ऑयल जमा हुआ है इनके ऊपर, है ना, ये ऑयल जमा। लेकिन एक चीज़ देखो, बोर इसका ना नहीं कट रहा है, बोर बिल्कुल फिक्स है इसका। ये देखो बोर पे कहीं भी नाखून की पकड़ या कुछ भी पकड़ नहीं है इस पर। ये देखो चारों पिस्टनों का बोर बढ़िया है, इसका मतलब है इसमें रिंग डलकर और ये गाड़ी फिर से तैयार हो जाएगी बेहतरीन चलने के लिए, और बिल्कुल भी धुआं नहीं देगी फिर गाड़ी। ये देखो बिल्कुल भी बोर नहीं कट रहा, काफ़ी बढ़िया कंडीशन में। ये देखो बस पिस्टन में पिलाई, देखो ये जो पिस्टन में पिलाई हुई है, देखो ये दिखाता हूँ आपको, देखो ये देखो ये पिले हुई है रिंगे जाने की वजह से, रिंगे लूज पड़ने की वजह से पिस्टन में पिले हुई है। चलो अब इसका करते हैं रिंग, पिस्टन निकालते हैं। हेड देखो निकाल लिया, हेड की भी कंडीशन दिखा देता हूँ। अब हेड का काम होएगा, हेड का काम जरूर है, वो जरूर करवाएंगे। ये देखो ये हेड की कंडीशन है, गैस किट खत्म, ये हेड की कंडीशन है, अब हेड का काम जरूर होएगा दोस्तों, हेड का काम होएगा। तो हेड का काम करवाते हैं, फिर लगाते हैं आप, फिर दिखाते हैं इसका हेड डाल लेता हूँ मैं। तो चलो खोलते हैं फिर आपको धीरे धीरे दिखाते हैं। देखो यानी बहुत हल्का ऑयल उठा रही है गाड़ी, ज़्यादा नहीं, बहुत मामूली सा ऑयल उठा रही है, इसीलिए धुआं इतना ज़्यादा दे रही थी। तो चलो हेड डाल लेता हूँ मैं, फिर रिंग निकालते हैं। ये देखो दोस्तों पिस्टन बाहर निकाल लिया, देखो ये पिस्टन की कंडीशन है। देखो दोस्तों यानी पिस्टन ठीक है, सिर्फ कार्बन है इस पर बहुत ज़्यादा, जो भी ऑयल उठाने की वजह से। अब देखो मैंने इस पिस्टन की रिंगें बाहर निकाल ली हैं, तो आपको गैप भी दिखा देता हूँ। देखो रिंगों का, ये देखो दोस्तों ये रिंगों का गैप देखो कितना ज़्यादा है, ये और ये देखो, ये बहुत ज़्यादा गैप है। ये मान के चलो क्या बताऊँ आपको, नाखून होता है नाखून, नाखून पकड़ जैसे करवाते ना अपन, ये देखो ये यहाँ से बहुत ज़्यादा गैप है। ये देखो ये देखो ये नाखून पकड़ लिया, नाखून भी इस पर जा रहा है यानी आराम से। ये देखो मैं नाखून घुसा देता है, ये देखो नाखून आराम से जाता है इसमें, इतना ज़्यादा तो इसमें गैप है। प्लस यानी कि इनके अंदर मेन रिंग है ना, इनमें तो बहुत खैर माइनर माइनर ज़्यादा, पर जो ऑयल रिंग है ना उसको आप देखोगे ना, तो ऑयल रिंग तो ये मान के चलो ऑयल रिंग ने अपना काम ही करना बंद कर दिया। देखो ऑयल रिंग को तो जैसे इसमें डाल के आप छोड़ोगे ना, तो वो ये मान के चलो इसमें बिल्कुल भी यानी गेप वगैरह ना उस चीज़ को कवर करी नहीं, मतलब लूज हो चुकी है ऑयल रिंग। तो ऑयल रिंग का होना और नहीं होना बराबर हो चुका है। देखो यानी अपन इसको रोक भी नहीं सकते इसमें, ये देखो यानी इतनी लूज हो चुकी है कि रुकना ही बंद हो गई ऑयल रिंग। तो ये ऑयल रिंग का वीक होने की वजह से ऑयल ऊपर आया है, बाकी बोर सही है। और ये देखो टॉप रिंग का इनमें भी गेप हल्का हल्का बहुत ज़्यादा है। और अभी देखना मैं ऑयल रिंग जब नई लाऊंगा तो नई फंसा के दिखाऊंगा। देखो पुरानी तो आप देख लो क्या कंडीशन में, यानी अगर इसको इसमें डाल के अपन रोकना भी चाहें ना यूँ स्टिल, तो ये रुकने की भी तैयार नहीं है। देखो अब देखो ये बड़ी मुश्किल से रुकी है, अब इसका गैप देखो आप, बहुत ज़्यादा गैप हो चुका है दोस्तों। ये देखो ये लाइट ऑन क्यों नहीं हो रही, लो बैटरी, अच्छा लो बैटरी,
तो ये देख लो दोस्तों आप लोग, ये देखो ऑयल रिंग का गैप देखो, यानी ये ऑयल रिंग है ना बहुत लूज हो चुकी है बोर के अंदर। ये देखो मतलब इसमें टिक भी नहीं पा रही इतनी लूज हो चुकी है। ये देखो फुल गैप है, मतलब ऑयल रिंग के ही लूज होने की वजह से इसमें ऑयल ऊपर फेंक रही है गाड़ी, यानी और कोई परेशानी नहीं है। और हेड का काम हम पूरा करवा ही रहे हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलो पहले इसकी अब सर्विस कर लेते हैं, धुलाई। ये देखो पिस्टनों का हाल देखो क्या हो रहा है, इन पर देखो क्या जम रहा है, बिल्कुल बहुत गंदा कार्बन जम चुका है पिस्टन पर। तो चलो ये काम कर देते हैं, फिर आपको फिट करके और दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखो बोर वगैरह इनकी सफाई होगी, और नई ये रिंग ले आए हैं हम नई। ये देखो क्लियर क्यों नहीं हो रहा मोबाइल आजकल मेरा। हाँ ये देखो नई रिंग ले आए हैं, अब इनको लगाता हूँ और मैं आपको इनका गैप दिखाता हूँ। देखो पहले भी आपने रिंगों का गैप देखा, और ये देखो नई लगाने पर नई का भी गैप देख लो आप। पिस्टन देखो पुराना पिस्टन, देखो जी में रिंग नहीं है। हाँ देखो अब देखो आप, ये देखो दोस्तों, ये देखो, और ये टॉप रिंग है ना, ये देखो टॉप रिंग का गैप देखो बिल्कुल 0-0, और देखो सेकंड टॉप का भी देखो 0-0, बिल्कुल गैप फिक्स यानी बराबर है। ये देख लो, अब आयल रिंग भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो मेरे पास है आयल रिंग, तो पहले आयल रिंग की क्या कंडीशन थी, इसमें यूँ फिक्स नहीं हो रही थी, यानी यूँ लगा के अपन इसको फिक्स ही नहीं कर पा रहे थे। चलो एक रिंग निकाल देता हूँ, एक सेकंड पकड़ना है रिंग मोटी वाली, और अब देखो आयल रिंग ये गई और ये हो गई इसमें फिक्स। ये देखो पिस्टन देना, ये एक सेकंड आयल रिंग को फिक्स कर देता हूँ। ये देखो पकड़ो, अब ये देखो आयल रिंग का भी गैप देखो 0-0, बिल्कुल परफेक्ट यानी कि गैप है, यानी बोर हल्का सा भी नहीं कट रहा, सिर्फ रिंग कटी थी। तो अब इस जगह ये रिंग डालेंगे ना अपन, तो इंजन पूरा लंबा चलेगा, और जो पिस्टन में जो चालती ना पिले, ये रिंग डालने के बाद में देखना पिले भी खत्म हो जाएगी। जबकि ये कस्टमर भाई है, ये साथ में खड़े हुए हैं, इनके सामने काम कर रहा हूँ सारा, ये मोबाइल से टोंक दिखा रहे भाई। ये देखो इनकी गाड़ी है, और ये 500 किलोमीटर से आए, इनके सामने कर रहा हूँ सारी चीज़ें, यहाँ तक कि वीडियो में हर एक लफ्ज़ जो बोल रहा हूँ ना मैं इनके सामने ही बोल रहा हूँ, ये नहीं मैं मेरी तरफ से कुछ भी बोल रहा हूँ। अब जो पिस्टन का जो गैप था ना पिले थी, वो भी मैं चेक कराऊंगा नया डालने के बाद में आपको, देखो कितनी कम होती है सिर्फ रिंगे डालने से। अब कई मैकेनिक क्या करते हैं, पिस्टन को हिला के दिखाते हैं और यूँ बोलते हैं भैया ये तो खत्म हो चुका है। तो दोस्तों पिले पिस्टन में होती है, हमेशा ये याद रखना, पिले पिस्टन में होती है, पिले को कम करती है रिंगे। तो चलो करते हैं, फिर अभी पिस्टन का भी दिखाएंगे आपको। ये देखिए दोस्तों पिस्टनों में रिंग फंसा दी है, और पिस्टन को अच्छे से वॉश कर लिया, बढ़िया चमका दिए, रिंग वगैरह फंसा दी। अब इसमें ब्लॉक में फंसाना बाकी, वो भी मैं फंसा देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। चलो चलो, तो दोस्तों देखो ये पिस्टन फंसाने का प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा। देखो ये टॉप है ना, ये निशान, ये एक नंबर उतर जाएगा, और जो फर्स्ट आयल रिंग है ना, यानी ये फर्स्ट आयल रिंग, ये देखो इसका मुँह यहाँ पर, और फिर इसके ऊपर कोई भी रिंग का मुँह नहीं है। फिर उसके बाद में सेकंड जो आयल रिंग है ना, उसका मुँह यहाँ पर यानी अपोजिट साइड, और इसके बगल में है ना ये सेकंड टॉप रिंग होती है ना, इसका मुँह, और फिर सेकंड टॉप के अपोजिट में ये रिंग। अब ये रिंग के नीचे कोई भी यानी है ना, यानी गैप है ना, वो रखा नहीं मैंने, क्यों, क्योंकि उससे क्या होता है अगर रिंग घूमती भी है ना तो कंप्रेसर लीक नहीं होगा। देखो ये मेरा प्रोसेस है, मैं इस तरीके से फंसाता हूँ। तो ये इनकी सेटिंग है, देखो यूँ ये इस तरफ लिया, और जो एक रिंग है ना उसका मुँह तो यहाँ पर, और एक रिंग का मुँह यहाँ पर आयल वाली का, और सेकंड टॉप यहाँ पर, और लास्ट वाली यहाँ पर, यानी ये सब आमने सामने और ये दोनों आमने सामने, ये रखते हैं अपन। इससे क्या होगा कोई भी अगर रिंग अगर लीक भी हो जाएगा ना, जैसे मान लिया आपस में मुँह है ना मिलेंगे नहीं, ये रहता है इसमें खास बात। तो चलो अब इन्हें फंसाते हैं, तो ये यहाँ पर आ गई, तो ले लेते हैं पर। हम फंसा रहे 4 नंबर पिस्टन, ये गया ऊपर अभी, ये रिंग क्लिप लगाएंगे।
हाँ देखना सीधा। बिल्कुल हाँ। जाने तू दोस्तों आने तू आ गया। चलो तो दोस्तों देखो इस तरीके से पिस्टन बसाया जाता है बहुत ही प्यार से, फिर उसके बाद में स्पाइल लगाया और ये दे दिया जाएगा ना। मक्खी नीचे ही है ना, तो इस तरीके से रिंग फंसाए जाएंगे जो मैंने आपको दिखाया था, मैं सारे पिस्टन की फंसा लेता हूँ। चलो वीडियो। तो ये देखो दोस्तों हेड का पूरा काम करवा दिया है बढ़िया अच्छे से, पीछे से दिखाओ। देखो हेड का भी पूरा बढ़िया एक नंबर काम कराया, फेस वगैरह सब एक नंबर। ये देखो मैंने सब कुछ फिनिशिंग करवा दिया सारी चीज़, अब ये फिट करेंगे अपन। ये देखो इस तरीके फेस होता है, इस मशीन से होता है फेस पूरा। और ये मशीन तो दिख रही है यहाँ से ही। और ये देखो एक नंबर काम हो गया। चलो अब इसे फिट करते हैं, फिर आपको गाड़ी स्टार्ट करके आवाज़ सुनाएं, देखो कितनी प्यारी बनेगी। सारा काम कर रहा है, वाल वगैरह सब बढ़िया अच्छे से। तो ये देखो दोस्तों अब मैं आपको चाल दिखाता हूँ। देखो ये देखो अब देखो कितना टाइट हो गया पिस्टन। ये देखो ये देखो पिले, अब देखो पिले, ये इस तरीके से टाइट होने चाहिए, मतलब पिले तो रहेगी। ये देखो पर इस तरीके टाइट रहेगा पिले में भी। ये देखो दूसरा पिस्टन भी देख लो, ये देखो यानी जो ओरिजिनल पिले होती है ना वो आ गई अब इसमें। और पिले किस चीज़ से होती है अब आप समझ गए, रिंग लूज होने की वजह से। रिंग खराब हो जाएगी तो पिले हो जाएगी, अगर बोर लूज हो जाएगा तो पिले हो जाएगी, पिस्टन नहीं कटता है जल्दी से। हाँ कोई कोई गाड़ी में होता है हीट होने के बाद में पिस्टन कट जाता है, लेकिन ये पिले देख लो, ये पिले अगर है ना अपनी गाड़ी में तो ये खुलने के बाद ही पता चलेगा। भाई खुलने के बाद में पिस्टन देखना है, पिस्टन कट रहा है रिंग कटने की वजह से पिले। तो चलो चलते हैं अब फिट करते हैं। तो दोस्तों गाड़ी को कंप्लीट भी कर लिया, हम चला के भी आ गए, लेकिन वीडियो बनाना भूल गए थे लास्ट में। जो भाई कस्टमर है ये खड़े हैं, इन्होंने खुद ने याद दिलाया आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं बनाया, तो मैं बना रहा हूँ। आज ही स्टार्ट कर दो एक बार स्लो में, स्टार्ट कर दो स्लो, खड़ी रहने देना बस। तो ये देखो दोस्तों गाड़ी स्टार्ट है, कंप्लीट है और रिंगे विंगे डाल दिए, धुआं वगैरह देखो बिल्कुल भी, रात तो हो चुकी भैया। टॉर्च मारना, एक्सीलेटर दो हल्का सा दे, और देव। ये देखो अब बिल्कुल भी धुआं नहीं है, 1% ही धुआं, चाहे एक्सीलेटर दो चाहे कुछ भी दो बिल्कुल भी धुआं नहीं है। भाई खुद यहीं खड़े हुए हैं, अब ये भाई भी रवाना हो रहे हैं क्योंकि ये 500-600 किलोमीटर से आए हुए थे। अब इनका काम भी कंप्लीट कर दिया, रिंगे डाल दी, हेड का पूरा काम करवा दिया, सारा कंप्लीट कर दिया। ये देख लीजिए इस तरीके से, यानी अपन एक छोटा प्रोसेस है, यानी देखो इसमें क्या स्लीव नहीं कटी थी इसलिए इसमें रिंग सक्सेस होने का पूरे चांस होते हैं। जहाँ स्लीव कट जाती ना वहाँ नहीं होता सक्सेस 1% ही। तो ये भाई है, इनकी गाड़ी है कंप्लीट हो चुकी है। तो भाई ठीक, ओके बढ़िया। और आपको जो भी है ना कोई दिक्कत हो आप मेरे को कॉल कर देना है ना, कोई भी कुछ भी। तो चलो दोस्तों वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं, भाई को भी रवाना करते हैं क्योंकि काम करते करते रात हो गई, पर भाई का यह काम एक दिन में फ्री कर दिया हमने। तो ये देख लीजिए बिल्कुल, यानी एक छोटे प्रोसेस से गाड़ी फुल सक्सेस होती है। अब इसमें देखो इसका ना तो पिस्टन कटा ना और कोई चीज़ कटी, सिर्फ रिंग हल्की सी डाउन हुई थी जो हल्की सी धुआं देने लगी, तो भाई ने तुरंत गाड़ी लिया है। ये काम सबसे बढ़िया है, अगर अपन उसमें डाल 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 के चलाते रहते हैं बोर्ड ज़्यादा कट जाता है फिर सक्सेस नहीं होता है, इसलिए चलो अब चलते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो और वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगी। हाँ जी ये भाई हैं, अब ये चलाएंगे। ये भाई दिन भर से सो रहे थे, दोनों भाई आए थे, ये भाई दिन भर सोए हैं आज पूरी रात, यानी कल रात गाड़ी चला के आए और दिन भर सोया है ये भाई तो। और जो जिन भाई की ये है ना, ये भाई नहीं सोए एक बार भी, ये भाई दिन भर सोए हैं। तो चलो अब इन भाइयों को भी रवाना कर देते हैं, ठीक सर? ओके। तो चलो आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ऐसी कोई ना कोई बेहतरीन वीडियो होगी जो मैकेनिकल नॉलेज होगी। तो चलो चलते हैं, भाई भी रवाना हो गए, अब रात में शायद 2-3 बजे पहुँचेंगे जब मेरे को कॉल कर देंगे। चलो चलते हैं अब, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।